नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ बैरलैस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 12वीं बिहार बोर्ड का VVF क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो ज्योग्राफी से है, भूगोल से है। तो ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला प्रश्न देखिए, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। सामान्य आकार में घरों के समूह को क्या कहते हैं? बस्ती कहते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मिले आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री और सही टाइम पर। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। वह निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विभाग यूरोपीय उपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है? रोपण है, रोपण कृषि। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? यह यूरोप। ठीक है, पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को क्या कहते हैं? पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को कहते हैं गुच्छित। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन है कॉफ़ी, गेहूँ, गन्ना, रबर। तो यहाँ पर गन्ना जो है वो रोपण फसल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक में स्त्री साक्षरता न्यूनतम है? ये यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ बिहार जो है जहाँ पर स्त्री साक्षरता न्यूनतम है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक की कोटि उच्चतम है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत के राज्यों में है वो केरल। ठीक है, केरल की क्या है? कोटि उच्चतम है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश चीन की सीमा पर स्थित है। उसके बाद मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्न में से कौन सी कोटि थी? तो 127 कोटि थी। एनोर पतन किस राज्य में स्थित है? तो एनोर पतन तमिलनाडु में स्थित है। चैनल टनल जोड़ता है पेरिस को लंदन से। चैनल टनल जो है वो पेरिस को लंदन जोड़ता है। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिए अनुपात को निम्न किया? पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रथम। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो डॉक्टर महबूल उल हक का देन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो जमशेदपुर औद्योगिक नगर है। और अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो यहाँ है अमेजन बेसिन, जहाँ पर अनाज कृषि नहीं की जाती है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर आ गए, पार महाद्वीप एस्टुवर्ड महामार्ग किनके मध्य से जोड़ता है? वो डार्विन और मेलबर्न होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? गुण में धनात्मक परिवर्तन। ठीक, अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का घनत्व सबसे अधिक है? तो वो है केरल। अगला प्रश्न, किस देश में रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? वो डेनमार्क है। संसार के अधिकांश महान पत्तन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, वो है विस्तृत पत्तन। ठीक है, अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है? वो है वायु संरक्षण और जल संरक्षण, ये दोनों ऑप्शन होगा सही। उसके बाद 500 से कम जनसंख्या के आकार के गांव में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 16.8%। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो यह है मिस्र। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। चलिए, संपूर्ण भारत में गांवों के बीच की औसत दूरी कितनी होती है? 2.52 किलोमीटर। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? यहाँ पर लक्षद्वीप होगा। फसल गहनता का सबसे कम प्रतिशत कौन सा है? 100%। फसल गहनता का सबसे कम प्रतिशत है 100%। बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है, कहाँ किस होकर जाता है? उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर के जाता है। उसके बाद है, हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। फूलों की कृषि कहलाती है पुष्पोत्पादन। ठीक है, फूलों की कृषि को कहते हैं पुष्पोत्पादन। और निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ती है, मतलब कौन सा तथ्य नहीं है? विश्व जनसंख्या प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगता है।
जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, यही वाला जो ऑप्शन है ये नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का लैंगिक अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? वो है लेटविया, ठीक है, लेटविया होगा। इस प्रकार हम चारों पेज को देख चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और एक सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं कि newswaralsk.com पर अब क्विज इन हिंदी प्रोग्राम चल रहा है, वो आप वहाँ पर जाकर के क्विज प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। क्विज में 10 से 15 क्वेश्चन सेट करके रखा गया है, आप क्विज स्टार्ट क्विज पर क्लिक करेंगे और क्विज खेल सकते हैं। क्विज खत्म होने के बाद तुरंत आपका रिजल्ट आ जाएगा, कितना प्रतिशत आप गलत दिए हैं, कितना आपका रैंक आया, सारा कुछ बता देगा। तो 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है, आप क्विज का फ़ायदा उठाइए जा करके newswaralsk.com पर। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।